बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुश्किलात में, मुसीबतों में, तकालीफ में भी अल्लाह पाक हमारे साथ होते हैं। राहत, चैन और सुकून में भी उसकी ज़ात को हम अपने पास पाते हैं। आज की इस वीडियो को देखकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे कि मौत तो बरहक है, मगर अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। तो दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखिएगा और एक छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, एक तूफान आप देख रहे होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के मनाजिर है। अल्लाह पाक के शान को देखिए कि इर्द गिर्द शदीद तरीन सैलाब है। एक जगह सिर्फ ऐसी बची है जहाँ पर ये दो बच्चियाँ मौजूद है और ये शदीद परेशानी की हालत में इस जगह बैठी हुई है, उठने का नाम भी नहीं ले रही। इर्द गिर्द सैलाब मुझे मारता हुआ गुजरता है, मगर अल्लाह पाक ने इन्हें महफूज रखा हुआ है। इन्होंने भी उठकर कोशिश नहीं की कि इस चीज़ से निकला जाए या इसी पानी को उबूर किया जाए। अल्लाह ने बचाना था, लिहाजा ये वहीं पर बैठी रही। लोग इर्द गिर्द मौजूद हैं, इन लोगों को देख रही है, मगर वो पुरसकून है, यूँ कि जैसे उन्हें रब पर यकीन हो कि वही बचाने वाली ज़ात है। उसी ने हमें इस हाल में रखा, वही इस मुसीबत से छुटकारा अता करेगा। अल्लाह पाक हम सबको भी ऐसा ईमान नसीब फरमाए जिसमें हर राहत पर हम रब का शुक्र अदा करें, हर गम पर, हर तकलीफ पर हम अल्लाह पाक की तरफ ही रुजू करें, इसी पर भरोसा रखें। आमीन सुम्मा आमीन।